हेलो गाइस, आप सभी का फिर से इस चैनल पे स्वागत है, क्रिकेट टिप्स बाय एसपी पे। हाँ, मुझे पता है बहुत ही लंबा ब्रेक हो गया इस चैनल पे, वीडियो नहीं डाले बहुत 6 7 महीने से, पता है। लेकिन आप सभी को पता ही है क्योंकि इतना ब्रेक आया था, तो उस बात पे बाद में बात करेंगे। तो अभी से इस चैनल पे मैं जो फ्यूचर है आपको बता देता हूँ। अभी से इस चैनल पे आपको रेगुलर वीडियोस, मतलब जो क्रिकेट में, जो क्रिकेट जगत में जो भी अपडेट्स आते रहेगी, मतलब जो भी होता है, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में, आईपीएल वगैरह में जो भी कोई भी न्यूज़ आती है, आपको कहीं भी सर्च मारने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आपको अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है, क्योंकि अभी से इसके रिलेटेड ही वीडियोस आते रहेंगी रेगुलरली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले न्यूज़ आ रही है आईपीएल की तरफ से। तो जो आरसीबी के जो लास्ट सीजन में जो बैटिंग कोच थे संजय बांगर, तो उन्हें अभी नेक्स्ट जो आईपीएल का सीजन आएगा उसमें उन्हें आरसीबी का हेड कोच बना दिया गया है। और जो लास्ट सीजन में जो आरसीबी के जो हेड कोच थे माइक हेसन, वो भी मतलब रहेंगे आरसीबी के साथ, लेकिन एज अ डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ। तो दूसरी न्यूज़ आ रही है आईपीएल से ही रिलेटेड है। जो अभी जो आईपीएल के जो नया सीज़न आएगा उसमें दो नई फ्रेंचाइजी, आप सभी को पता ही, अहमदाबाद और लखनऊ। तो अहमदाबाद का जो फ्रेंचाइजी जिसने ख़रीदा है सीबीसी कैपिटल ग्रुप ने, तो उन्होंने अभी जस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने रवि शास्त्री, आर श्रीधर और भरत अरुण जो अभी आईपीएल, मतलब जो इंडिया के साथ जो थे एज ए हेड कोच, फील्डिंग कोच और जो बॉलिंग कोच, तो उन सभी का टेन्योर अभी ख़त्म हो गया। तो मतलब आईपीएल में भी कोई भी फ्रेंचाइजी का कोच बन सकते हैं। तो उन तीनों को अहमदाबाद के फ्रेंचाइजी ने अप्रोच किया है कि उनके फ्रेंचाइजी के साथ वो काम करें। और जो रवि शास्त्री एज ए हेड कोच, आर श्रीधर एज ए फील्डिंग कोच और भरत अरुण एज ए बॉलिंग कोच। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है वर्ल्ड कप की तरफ से। तो वर्ल्ड कप में जो अभी न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मैच होता है, सबको पता ही होगा यार, क्योंकि इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच था। तो चलिए न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो न्यूज़ ये आ रही है कि जो अबू धाबी के ग्राउंड में रविवार को जो मैच हुआ था न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच में, तो जो वो मैच के जो पिच क्यूरेटर थे, मोहन सिंह नाम बताया जा रहा है उनका, तो रिपोर्ट्स ऐसे बता रहे हैं कि मैच शुरू होने के कुछ घंटे पहले वो सुसाइड कर लिया था उन्होंने अपने घर पे। क्यों किया, कैसे हुआ, कुछ इतना रिपोर्ट्स आए नहीं है, लेकिन इतना ही बताया जा रहा है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था। चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड जो अभी सीरीज़ होने वाली, जो न्यूजीलैंड इंडिया में आने वाली खेलने के लिए, उसमें 3 T20 होने वाले हैं और 2 टेस्ट मैच होने वाले हैं। तो जो 3 T20 इंटरनेशनल खेले जाने वाले हैं, तो उसके लिए इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। तो उसमें मोस्ट ऑफ जो इंडिया के जो मतलब 6 7 महीने से लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, उन सभी को मोस्ट ऑफ रेस्ट दिया गया है और नए नए खिलाड़ी को मौका दिया गया जो आईपीएल में शानदार प्रदर्शन कर रहे थे। तो बढ़ी थी स्क्वाड की तरफ। तो स्क्वाड में रोहित शर्मा एज अ कैप्टन है, केएल राहुल एज अ वाइस कैप्टन, ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत एज अ विकेट कीपर, ईशान किशन एज अ सेकेंड विकेट कीपर, वेंकटेश अय्यर, युजवेंद्र चहल, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, आवेश खान, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चाहर, हर्षल पटेल एंड मोहम्मद सिराज। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे इंटरेस्टिंग क्रिकेट के रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।